नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। एक साल से संचार व्यवस्था ठप होने के कारण सरकारी संस्थानों के कार्यों में आ रही व्यवधान, दूर संचार विभाग बेखबर है। वहीं BSNL एक ऐसी कंपनी जो संभवत उसके कनेक्शन शासकीय संस्थानों में होते हैं, लेकिन संचार व्यवस्था ठीक न रहने के कारण शासकीय कार्यों में आ रही रुकावटें, जिससे आमजन और शासकीय कर्मचारी परेशान हैं। छतरपुर जिले में कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास BSNL का कनेक्शन था, लेकिन आज उपभोक्ताओं के पास आ रहे बिल, जबकि उपभोक्ताओं के पास एक वर्ष से ज्यादा हो गया है, डिब्बे तक नहीं रह गए हैं, फिर भी बिल अनावरण आ रहा है। BSNL खजुराहो डिवीजन अंतर्गत MPEB सब स्टेशन फंबल BSNL खजुराहो डिवीजन अंतर्गत MPEP सब स्टेशन बमीठा पुलिस थाना बमीठा 7 में आम उपभोक्ता दूर संचालक BSNL कंपनी के परेशान होकर एक तरफ प्रशासन BSNL को पुरजोर साथ देने के लिए कहती है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे कि टेरिफ प्लान, इंटरनेट प्लान सभी कंपनियों में से कम बताए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी की जेब कट रही है, बिल आ रहा है, लेकिन संचार की व्यवस्था ठीक ना होने से किसी भी प्रकार की बात आम उपभोक्ता व सरकारी संस्थान नहीं कर पा रहे हैं। बात करें आज के युग की, तो सभी काम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन BSNL का इंटरनेट सिस्टम हमेशा बंद रहता है, सिग्नल हमेशा ठप रहता है, ऐसे में आम आदमी की परेशानी का कौन जिम्मेदार है? आपके यहाँ जो BSNL कनेक्शन लगा हुआ है, क्या वो चालू है बंद है? सर क्या कमी है? सर क्या आपके पास कोई इसका बिल आता है विभाग द्वारा जमा किया? विभागीय बिल आता है, BSNL बराबर बिलिंग कर रहा है, जिसका भुगतान संभागीय कार्यालय से हो भी रहा है, लेकिन यहाँ पे BSNL का कनेक्शन, हमारा टेलीफोन कनेक्शन था और खामियाँ अभी भी है, और इंटरनेट की व्यवस्था है, कंप्यूटर चलाते हैं, सारे काम जो इंटरनेट के हैं वो सारे ठप पड़े हुए हैं, BSNL की सप्लाई ना होने के कारण, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। जब उनसे बात की गई